नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की सभी बड़ी खबरें, दिन भर के जो मुख्य समाचार हैं आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे, सभी बड़ी और जरूरी खबरें आप तक पहुंचाएंगे, लगातार बने रहिएगा दोस्तों। खबरों में पढ़ेंगे उससे पहले अगर आप लोग भी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में #VSupportRahulGandhi जरूर ही कमेंट कीजिएगा। जो पहली बड़ी खबर आ रही है बताते चले। जी हाँ दोस्तों, नए CGI संजीव खन्ना की तरफ से लेटेस्ट अपडेट आ रही है, बताते चले आप लोगों को। भड़काऊ भाषणों के खिलाफ में दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज। CGI बोले हेट स्पीच और गलत बयानों में अंतर। सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक स्तर पर नेताओं के भड़काऊ भाषण के खिलाफ में कार्रवाई को लेकर के दायर जनहित याचिका खारिज कर दी है। मुख्य न्यायाधीश यानी कि CGI संजीव खन्ना ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता वकील से कहा कि हेट स्पीच और गलत बयान में अंतर होता है। CGI ने आगे कहा कि दोनों ही अलग अलग चीजें हैं, यदि याचिकाकर्ता को कोई विशेष शिकायत है तो वह कानून के अनुसार मुद्दे को उठा सकते हैं। कोर्ट ने मामले में याचिका पर नोटिस जारी करने से इनकार किया और CGI संजीव खन्ना ने इस याचिका को खारिज कर दिया है दोस्तों। ये अपडेट आई है सामने, इसके साथ ही खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पर PM मोदी की बैक टू बैक एक के बाद एक रैलियां फ्लॉप हो रही हैं, जो कि गोदी मीडिया इस खबर को दिखाने के लिए तैयार नहीं है। महाराष्ट्र में भाजपा की दाल गलती हुई नजर नहीं आ रही है। दादर महाराष्ट्र में PM मोदी की रैली में कुर्सियां पूरी तरह से खाली नजर आईं। मोदी जी की महायुति के लिए की गई सभा की हालत यहां पर इस कदर है कि लोग ही नजर नहीं आए, खाली कुर्सियों को सुना रहे थे अपने मन की बात PM मोदी। ये तो बात हो गई दादर की। बात करते हैं खारघर की, जहां पर महाराष्ट्र में PM मोदी ने रैली की। एक अकेला सब पर भारी, खाली कुर्सियों को भाषण सुनने की आई है अब बारी। महाराष्ट्र की जनता सबसे न्यारी, ये यहाँ पर देख सकते हैं कि लोगों का जोरदार तरीके से यहाँ पर बयान भी सामने निकल के आया है। कुल मिलाकर के कहा जाए तो बैक टू बैक PM मोदी की रैलियां महाराष्ट्र के अंदर फ्लॉप होती हुई नजर आ रही हैं। PM मोदी की रैलियों में कुर्सियां खाली हैं, कुर्सियां इतनी लगाई जाती हैं जितने लोगों की यहां पर उम्मीद लगाई जाती है भाजपा की तरफ से, लेकिन हो क्या रहा है, PM मोदी की रैलियों में जनता पहुंच ही नहीं रही है उनको सुनने के लिए, यानी कि अब जनता जुमले सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसके साथ ही चौंकाने वाली अपडेट आ रही है, कांग्रेस के नेता हुसैन दलवाई ने दिया एक बड़ा बयान, बोले RSS आतंकवादी संगठन है और इसके सबूत मैं दे रहा हूं। कांग्रेस के नेता का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर के राज्य में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दल लगातार BJP और RSS पर निशाना साध रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हुसैन दलवाई ने RSS के बारे में एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे कि भाजपा बौखला गई है। कांग्रेस के नेता हुसैन दलवाई ने RSS को एक आतंकवादी संगठन बताया है और कहा है कि वो लोगों को हिंसा सिखाते हैं। ये यहाँ पर कांग्रेस के नेता ने दोस्तों बात कही है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही हम एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई यहां पर RSS पर करेंगे। ये अपडेट आई है सामने निकल के दोस्तों, आप लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है कांग्रेस के नेता हुसैन दलवाई के बयान पर, कमेंट बॉक्स में जरूर ही दोस्तों बताइएगा। इसके साथ ही महायुति का खेल बिगड़ने जा रहा है, देवेंद्र फडणवीस ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, चुनावी नतीजे क्या होंगे देवेंद्र फडणवीस के बयान से साफ हो गया है। फडणवीस ने माना रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा कौन किसके साथ में है। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में कभी 4 राजनीतिक दल हुआ करते थे, लेकिन शिवसेना NCP में बंटवारे के चलते 6 पार्टियां चुनावी मैदान में है। इस बीच यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या चुनाव के बाद भी यही तस्वीर बनी रहेगी या कुछ दल बदल पाला बदल भी कर सकते हैं। अजीत पवार की पार्टी ने इसके साफ संकेत दे दिए हैं और कहा है कि असली तस्वीर चुनाव के बाद ही सामने आएगी। इस बीच डिप्टी CM और BJP के नेता देवेंद्र फडणवीस ने भी स्वीकार किया है कि चुनाव के बाद ही कुछ भी हो सकता है। उन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनाव अजब है और 23 नवंबर को परिणाम घोषित होने के बाद ही स्पष्ट होगा कि कौन सा गुट यानी कि कौन सी पार्टी किसका समर्थन कर रही है। दोस्तों बताते चलें,
अजीत पवार ने पीएम मोदी की रैलियों से भी किनारा कर लिया है। बीजेपी के कार्यकर्ता तक यहां पर अजीत पवार के लिए वोट नहीं मांग रहे हैं, यानी कि अजीत पवार ही सबसे बड़ा खेल करते हुए नजर आएंगे भाजपा के साथ में। ये तो तय है, ये भाजपा भी मानती है कि अकेले दम पर या शिंदे के साथ में सरकार किसी भी कीमत पर नहीं बन सकती है, और अजीत पवार जबरदस्त तरीके से यहाँ पर बागी होते हुए नजर आएंगे 23 नवंबर के बाद में, ये तय माना जा रहा है दोस्तों। और एमबीए तो पूर्ण बहुमत के साथ में सत्ता में आ ही रहा है, और अजीत पवार अगर एमबीए में वापस आते हैं तो यहां पर महायुति की सीटें और भी घटती हुई नजर आएंगी, ये यहां पर दोस्तों खबर है। इसके साथ ही अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, बैलेट पेपर के जरिए चुनाव हुआ और भाजपा का सुपड़ा साफ। आम आदमी पार्टी के महेश कुमार कींची दिल्ली के मेयर चुने गए, भाजपा उम्मीदवार को 3 वोटों से हराया। दिल्ली नगर निगम के महापौर और उप महापौर पद के लिए हुए चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बाजी मार ली है। इसमें से मेयर पद पर पार्टी के उम्मीदवार महेश कुमार कींची ने जीत दर्ज की है। उन्होंने भाजपा के उम्मीदवार किशन लाल को 3 वोटों से हरा दिया, और वहीं डिप्टी मेयर पद पर रविन्द्र भारद्वाज निर्विरोध यहां पर चुने गए हैं दोस्तों, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं। मेयर चुनाव के लिए कुल यहां पर जो वोट हैं वो 265 वोट पड़े, जिसमें से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार खींची को 133 वोट मिले, जबकि भाजपा उम्मीदवार किशन लाल को 130 वोट मिले। 2 वोट यहां पर अवैध हो गए, यानी कि कुल वैध जो वोट पड़े हैं उनकी संख्या 263 रही है। 10 आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग कर दी, लेकिन फिर भी भाजपा यहां पर बहुमत का आंकड़ा नहीं जुटा पाई, यानी कि तमाम तरह की साजिशें की गई, खरीद फरोख्त की गई पार्षदों की, पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी बैलेट पेपर के जरिए चुनाव हुआ और भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा है। महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों से ठीक पहले दिल्ली में भाजपा की करारी हार दोस्तों हुई है, ये यहां पर अपडेट आई है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर बताते चलें। महाराष्ट्र के चुनाव से अपडेट आ रही है। संजय राउत बोले 23 नवंबर के बाद में कोई महायुति नहीं होगी, हम यहां पर पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने पीएम मोदी पर हमला बोला, और उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की जनता प्रधानमंत्री के बयान पर भरोसा नहीं करती है, यह महाविकास आघाड़ी है, हम तीनों साथ हैं, और महाराष्ट्र में आपसे यहाँ पर लोग देख सकते हैं कि जबरदस्त तरीके से आपको सबक सिखाएंगे। इसकी ये यहाँ पर कहना है संजय राउत का। उन्होंने उद्धव ठाकरे पर पीएम मोदी की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए कहा है कि जनता तय करेगी कि किसको रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में देना है। संजय राउत ने कहा है कि जहां तक महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की बात है, तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि 23 नवंबर के बाद में महायुति नहीं रहेगी, क्योंकि कोई इनका सीएम नहीं बनने जा रहा है, और यहां पर अब एमबीए का सीएम होगा, मुख्यमंत्री एमबीए का होगा, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, ये संजय राउत का कहना है। दोस्तों इस समय की सभी जो बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार हमने आप तक पहुंचाए। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।